और इस बीच दुर्ग से आपको खबर बता दें, जहां शैलजा चंद्राकर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु की बहू हैं शैलजा, दिवंगत वासुदेव चंद्राकर की पुत्रवधु हैं शैलजा। जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जामुल नगर पालिका के सैकड़ों कांग्रेसी भी भाजपा में शामिल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, जहां शैलजा चंद्राकर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिवंगत वासुदेव चंद्राकर, जो कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, उनकी बहू हैं शैलजा चंद्राकर, जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु की बहू हैं शैलजा, दिवंगत वासुदेव चंद्राकर की पुत्रवधु हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जामुल नगर पालिका के सैकड़ों कांग्रेसी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। अलग अलग विचार होते हैं, मेरा मायका भाई मायके के विचार दूसरे साल के अलग होते हैं। मुझे मोदी जी को जब मेरी अपनी समझ आई, मोदी जी का कार्य करते देखा, तो मुझे लगा भारत ऐसा होना चाहिए। मैं 5 साल पहले भी आना चाहती थी सर, मुझे आने नहीं दिया गया। 5 साल पहले मैं प्रवेश के लिए फिर भी कह रही थी, क्योंकि मुझे कोई राजनीति में कुछ टिकट विकेट ऐसा वाला कोई रोल नहीं है। बस मैं मोदी प्रेमी हूँ, ये मुझे साबित करना है।